नमस्कार, आज आपके लिए मैं फिर से एक मोटिवेशन वीडियो लाया हूं। मोटिवेशन वीडियो लाने का मेरा एक टारगेट है, आप खुद एक बार मोटिवेट रहे, खुद अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेट रहे। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन स्पीच बाय चिराग सर, मतलब मैं खुद आपके लिए मोटिवेशन स्पीच लाया हूं। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो जो काम कंटिन्यू रख रहे हो उसमें धीरे 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 वो ढीला होता चला जाएगा और आप उसके लिए काम करना बंद कर दोगे। उस प्रकार जैसा आपने देखा होगा कि हर एक बंदा जानता है कछुए और खरगोश वाली कहानी। कछुए और खरगोश वाली कहानी के अंदर खरगोश पता था कि मैं बहुत स्पीड से दौड़ता हूं, लेकिन उसी घमंड में, उसी ईगो में वो बीच में सो गया। लेकिन कछुआ अपनी निरंतर चाल से, अपनी कंटिन्यू स्पीड से चलता चला गया। लेकिन जब तक वो उठा तब तक तो कछुआ बाजी मार चुका था। बस वही वाली चीज है। मैं आपको पढ़ने मोटिवेट इसलिए करता हूं कि सब लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए, कोई पीछे ना रहे। अगर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा और आप मैं बार बार आपके टारगेट को मैं नहीं बताऊंगा कि तो आपने क्या टारगेट रख रखा है और आप अपने टारगेट को भूलते चले जाओगे, तो धीरे 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 अपने टारगेट से बहुत दूर चले जाओगे। जो टारगेट सेट किया है, जो गोल सेट किया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एक गोल सेट करना है, उसी प्रकार आपने उस गोल सेट किया होगा और उस गोल को अगर मैं महीने बाद वापस याद दिलाऊं तो महीने में आप काफी कुछ आपके लूजर्स पॉइंट आने चालू हो जाएंगे। तो 10 दिन के बाद वीडियो वीडियो देने का मतलब यही है कि आप मोटिवेट रहें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक किसान था, उसने अपने दो बेटों को बोला कि जाओ खेत में जाकर के, जंगल में जाकर के एक एक कुल्हाड़ी दे दी और बोला कि जंगल में जाकर के पेड़ काट के लाओ, जो ज्यादा पेड़ काट के लाएगा मैं उसको अपने खेत में काम करने के लिए रखूंगा मेरे साथ और उसको ही सिखाऊंगा। तो अब देखिए क्या हुआ, दोनों ने कुल्हाड़ी ले ली, दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। दोनों में जोश था लेकिन एक में बुद्धि थी, दोनों में जोश था लेकिन एक में बुद्धि थी। वो जानता था मुझे क्या करना है। वो जाते ही अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको धार देना शुरू कर दिया, उसको बिल्कुल तीखा बना दिया, लेकिन जिसमें होने पर जोश था वो चला गया और सीधा काटना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पेड़ किसने काटा हुआ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन सबका एक ही होता है कि हमको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो नहीं पता होता है। बस वही चीज था, काटना दोनों थे, दोनों पेड़ काटने थे, लेकिन उसको पता था मुझे पहले क्या करना है फिर जिससे पेड़ ज्यादा से ज्यादा काट पाऊं, लेकिन जिसमें जोश था वो थोड़े टाइम का जोश था और एंड मार्क में हार ही नहीं। बस वही चीज है, जोश को कंटिन्यू बनाए रखने के साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप कितना भी जोश लगा लो आपकी उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं, आपकी मेहनत का कोई मकसद नहीं है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा मेहनत ऐसी करो कि उसमें डायरेक्शन भी हो। और डायरेक्शन कब मिलता है? जब आपको कोई डायरेक्शन देने वाला हो। डायरेक्शन देने के साथ साथ वो डायरेक्शन आपको ये बताता है कि इस रास्ते से निकल जाओ आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। डायरेक्शन तो कोई भी नहीं दे सकता, डायरेक्शन वही दे सकता है जिसको डायरेक्शन का पता हो कि कहां निकलना है। तो बस मैं यही कहता हूं कि आप डायरेक्शन के साथ साथ मेहनत भी करते रहिए। अपनी सबसे पहले पढ़ाई को कि भाई मेरे को मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे किस तरह मेहनत करूं कि मैं मेरिट में आऊं। तो मेरिट में आने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे अपनी पिछली वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाए उसको पर डे डिस्कस करो, पर डे उसको घर पे आकर के रिविजन करो, फिर वापस अगले दिन पूछो। ये काफी जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए थे उसको इंप्रूव करते चले जाओ। धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर इंप्रूव करोगे तो एक आपकी आदत हो जाती है। आपने अपनी कई वीडियो में देखा होगा किसी हैबिट को आप 21 दिन लगातार करते हो तो हैबिट आपकी आदत बन जाती है, एक तरह से लाइफ के एक पार्ट बन जाता है। कहा जाता है कि 21 दिन किसी काम को लगातार किया जाए तो आपकी डेली रूटीन में काम फिक्स हो जाता है। तो बस वही कहूंगा कि आप एक दिन आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूं, मेरी तो आदत थी नहीं, लेकिन सेकेंड दिन करो, थर्ड, फोर्थ, फाइव, धीरे 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 आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और 21 दिन बाद आप देखना 22 दिन आपको खुद से चला करके वो चीज आपके साथ होने लगेगी। और हमेशा ध्यान रखना, स्टडी हमेशा आप जो करो या तो सुबह उठ के करो, 4 बजे नहीं उठ पाते हो तो 5 बजे उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठो, जल्दी उठ करके अपनी स्टडी को। और हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाने के तरीके बताता जा रहा हूं,
हमेशा जो वीक सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, उन वीक सब्जेक्ट को हमेशा सुबह पढ़ो। मान लो किसी को इंग्लिश से डर लगता है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को साइंस से डर लगता है, तो किसी को किसी और से डर लगता है। तो जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपका इंटरेस्ट सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, इंसान उठता है तो माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो फ्रेश माइंड में वो फटाफट फटाफट सीखने में आता है और याद रहता है। और जो मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है वो हमेशा रात को पढ़ो। रात को इसलिए क्योंकि हाथ चलता है और माइंड चलता है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट को कभी रात को मत पढ़ो। क्यों? हिंदी जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो नींद आने लगेगी। हिंदी जैसे सब्जेक्ट को शाम को ले लो जिससे आपको नींद ना आए, अच्छे से याद भी हो। लेकिन अगर आप रात को सोते वक्त पढ़ते पढ़ते सो जाओ कि हाँ मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, नहीं, हिंदी सामाजिक साइंस ये सब्जेक्ट रात को नहीं पढ़े जाते। Only for mathematics is रात को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमारा हाथ के साथ साथ माइंड चलता है, तो हमारे जब हाथ चलता है तो नींद आने के चांसेस कम होते हैं। तो रात के समय हमेशा मैथमेटिक्स को लो, अपने वीक सब्जेक्ट को हमेशा सुबह पढ़ो, और जो शाम का स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद जो अपने काम वाम है वो थोड़े कर लो, फिर काम करने के बाद फिर अपनी जो रिविजन देना है या होमवर्क करना है वो कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करने के बाद जो अपने अदर सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करो, हिंदी है इंग्लिश है जो आपको पढ़ना है SST हो जाए। और जो 12th स्टूडेंट के हैं वो एक बात ध्यान रखना, 11th और 12th के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स या बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसके बाद PCM है वो अपने PCM के तीनों सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुमको कोई मात नहीं दे पाए। अपने PCM के सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग बना लो क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जब आप आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे जो PCM के सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो धीरे धीरे हार्ड होते चले जाएंगे। पर ये बात ध्यान रखना जिसने 11 एंड 12 PCM की जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ लिए आगे मेरे हिसाब से उसको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्यों? ये पूरा बेसिक है उसके लिए। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इमारत हम खड़ी कर लेंगे। वही चीज है हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, हर एक ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई आर्ट्स का बंदा है तो उसने अपने जो तीन सब्जेक्ट ले रखे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट तो अपने हिंदी और इंग्लिश है, जो आपने अपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे किसी ने पॉलिटिकल ले रखा है, किसी ने हिस्ट्री ले रखा है, किसी ने ज्योग्राफी, तीन सब्जेक्ट को किसी लेता है और एक चेंज हो सकता है, तो आप देख सकते हो कि जो तीन सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि आगे जाकर वही पढ़ने हैं। हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, साइंस वालों को भी पढ़ने हैं और आर्ट्स वालों को भी ये पढ़ने हैं और कॉमर्स वालों को भी ये पढ़ने हैं। और जो कॉमर्स वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, टाइपिंग है, तो कुछ टॉपिक्स है, अकाउंट्स है, तो इन सब्जेक्ट्स को टाइम दो जो जिससे आप अपने स्टडी को, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको एक ना एक दिन आपको जॉब दिलाएंगे, ये सब्जेक्ट आपको एक ना एक दिन जॉब दिलाएंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है वो नॉलेज का टाइम है ना कि रटने का टाइम है। तो आप नॉलेज गेन करो ना कि रटो। नॉलेज रहेगा तो आपको दुनिया पूछेगी, अगर आप रटोगे तो आप मुश्किल से एक या दो दिन ही पढ़ा सकते हो या खुद पढ़ सकते हो, फिर आप उस चीज को धीरे धीरे भूल जाओगे। आप हमेशा ये ध्यान रखना आपके दिमाग में हमेशा ये तीन वर्ड होने चाहिए, व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या और कैसे, ये चीज होनी चाहिए। व्हाई, क्यों, ये क्यों हो रहा है, व्हाट, क्या हो सकता है और ये कैसे हो सकता है। ये तीन वर्ड जो याद रखना आपको, क्या, क्यों और कैसे। अगर जिस बंदे के बंदे दिमाग के अंदर ये तीन वर्ड हमेशा रहेंगे तो उसके अंदर कभी भी नॉलेज की कमी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसका माइंड धीरे धीरे उस चीज को बढ़ा रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि मुझे क्या करना है। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ये कैसे हुआ, चलो ठीक है पूछ लिया, सारे बता दिए कैसे हुआ, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, अपना माइंड लगाए, सर बोले वेरी गुड, फिर आप बोल सकते हो सर इसको अगर ऐसे किया है तो इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये क्या है, धीरे धीरे माइंड ओपन हो रहा है, बस यही चीज है, आपको नॉलेज गेन होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना रटने पे जोर मत देना, रटने पे जोर दोगे तो रटने वाले, आपने देखा होगा सर्कस में एक शेर होता है, जो शेर जिसके पास होता है वो हजार बार उसको छड़ी मारता है ना तो शेर भी उछल करके कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। तो बार बार आप अगर ऐसा काम करोगे तो रटना हो जाएगा। लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि लाइफ के अंदर कभी ना कभी आपको क्या भरोसा, आप टीचिंग लाइन में चले गए या फिर आप बड़े बिल्डर्स बन गए, आपको कुछ करना पड़ गया, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर
नॉलेज है तो आप पक्का समझ वाले को नॉलेज दोगे, लेकिन अगर अंदर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने नॉलेज को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना कि अगर बंदे के अंदर नॉलेज होता है तो वो बोलता है, अगर आप उसके अंदर नॉलेज नहीं है तो वो हजार भीड़ के सामने नहीं बोल सकता। आज नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों के सामने बोलते हैं, क्यों? बंदे के अंदर नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस। तो नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस आपको आपको स्पीकर बना सकता है, आपको सामने किसी के सामने हजार लोगों के सामने बोलने की ताकत दे सकता है। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस ये दोनों लाओगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी रुकोगे नहीं और हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। ये बात ध्यान रखना, नॉलेज कभी खत्म होता नहीं है, नॉलेज कंटिन्यू बढ़ता है। और नॉलेज के पीछे भागोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा भी। अगर आप सोचोगे नहीं बस पढ़ना ही तो है, पढ़ना ही तो है, बस वो पढ़ने के पीछे ही आपका नॉलेज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आप अपने टारगेट को अचीव करने से पहले, मान लो आपने मेरिट का टारगेट सोचा है, तो मेरिट के टारगेट के साथ साथ तो आपने जो सोचा है उसके साथ साथ जो बीच में पढ़ना है वो ये मत सोचो कि ओनली फॉर 10th का पढ़ना है, और ये मत सोचो कि ओनली फॉर 12th का 11th का पढ़ना है। 11th और 12th के साथ साथ क्या वो चीजें आगे नहीं आएगी? आएगी। तो जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे के साथ साथ नॉलेज गेन करना है, और नॉलेज के साथ साथ आपको हायर स्टडी के लिए जब आगे जाओगे तो ये सारी चीजें स्टडी की आपको आगे काम आएंगी, तब आप हर बंदो हर जो भी बंदा है उससे आगे निकलोगे। ये मत सोचो जो पढ़ लिया बस वो छूट गया, नहीं, जो पढ़ना है उसको याद भी रखना, अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, किताब के अंदर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन नोट्स इसलिए जरूरी है, नोट्स से, नोट्स क्या होता है, नोट्स का मतलब क्या होता है? आज तक सब होता है नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? मैं बताता हूं, नोट्स का मतलब होता है कि हमारे द्वारा लिखा गया नोट्स, यानी हमारी जो लैंग्वेज है जिसे मैं समझ सकता हूं वो मैंने कॉपी में लिखा है। तो अब सोचो जब आपने लिखा है तो आपको तो ऑलरेडी याद होगा, जब आपने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं तो याद होंगे वो, और अपने थ्रू जो नोट्स बनते हैं वो धीरे 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 अपने धीरे धीरे याद होना चालू हो जाते हैं और नोट्स याद हो जाते हैं। अगर आप लिखोगे नहीं, अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना रटी गटाई रामायण कभी भी नहीं, हमेशा पहले समझना है फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसको पहले समझो कि सर क्या समझा रहा है, उसको समझने के बाद अपने नोट्स बनाओ, उसके जैसे जैसे क्वेश्चन लो, अगर कोई डाउट हो तो मेट से पूछो, फिर अगर आप मेट से नहीं पूछ पा रहे हो तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं जरूर सीन करता हूं, तो आप वो मैसेज देख करके मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें होती है पढ़ाई के लिए। देखो मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी अगर चाय वाला था तो अगर वो चाय वाला ही बना रहता तो आज कौन नरेंद्र मोदी को जानता? कोई नहीं जानता। अगर धीरूभाई अंबानी अगर वो पेट्रोल पंप पे रिलायंस पेट्रोल पंप का अगर पेट्रोल की नौकरी मतलब पेट्रोल पंप वाली नौकरी कर रहा होता तो आप धीरूभाई अंबानी को या फिर कोई रिलायंस ग्रुप को नहीं जानता। अगर अमिताभ बच्चन को अगर उसकी फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही है स्टार्टिंग की, अगर वो जा रहा है लेकिन वो बैक आता अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में तो आज अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। अगर अक्षय कुमार दिल्ली के अंदर शेफ था, खाना बनाता, लेकिन अगर वो खाना बनाता तो आज अक्षय कुमार को भी कोई नहीं जानता। अगर हर एक इंसान छोटे से ही बड़ा होता, ये बात ध्यान रखना। तो बस यही आपकी जो एज है स्टडी की, धीरे 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 अपनी स्टडी को इंप्रूव करो और एक ना एक दिन आपको दुनिया जाने ऐसा काम करो। आज मेरे को ये नहीं पता था कि मैं एक दिन यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैंने स्टार्टअप किया धीरे धीरे, मुझे पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये चैनल आगे जाएगा, और आप सबका सपोर्ट है तो जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा? जब आप सपोर्ट कर रहे हो तो ये चैनल आगे जाने ही। तो बस यही चीज है, हर एक इंसान को सपोर्ट की जरूरत हो रही है, तो मैं आपको जब सपोर्ट दे रहा हूं तो आप मुझे सपोर्ट दो, एक दूसरे के सपोर्ट से दोनों आगे बढ़ेंगे। मेरा यही मानना है कि इंसान अगर सामने वाले को सपोर्ट करता है तो उसका भी जब सपोर्ट मिलता है तो दोनों आगे बढ़ते हैं। बस वही चीज है कि सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर आप सबको साथ में लेकर के नहीं चलोगे तो हमेशा ध्यान रखना नॉलेज में कमी आएगी। अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर आप सामने वाले को नहीं दे रहे हो तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। कभी भी नोट करवाता हूं आपसे बात, आपको कुछ क्वेश्चन आया, आप किसी भी बंदे को ले लो, मैं तेरे को क्वेश्चन समझाता हूं। अगर आप जब उसको क्वेश्चन समझाओगे ना तो वो क्वेश्चन हमेशा लाइफ में आपके लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। आप बात ध्यान रखना, अगर आप सोचो कि नहीं मुझे आ गया, नहीं, किसी दिन 10 दिन बाद वो क्वेश्चन करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी को समझाते हो ना
तो वो आपके अंदर फिट हो जाता है माइंड के अंदर, थ्री जो थ्री माइंड्स होते हैं उसमें थ्री स्टोरेज में फिक्स हो जाता है। तो वही सारी चीज है, आप किसी और को समझाओ उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ये पढ़ाना पढ़ने के तरीके हैं, कभी भी अपने नॉलेज को स्टोर मत रखो, हमेशा एक्सप्लेन फॉर्म में रखो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो, और मेरे से जब भी आपका मोटिवेशन का बनेगा हर 10 दिन बाद फिर से मैं आपके लिए मोटिवेट लाऊंगा। हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। अगर स्टडी से लेकर के भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कि सर इससे पढ़ाई नहीं होती है, या ये दिक्कत है, या कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। तो कोई भी एक्सक्यूज हो तो मुझे शेयर करो, मैं आपका जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कभी भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।